क्या बात है दीपिना, आउटस्टैंडिंग। सिचुएशन ऐसा है, मम्मी बीमार है, मम्मी को हुआ है कोविड, तो शी इज़ क्वारंटीन इन अ रूम, कमरे से निकल नहीं सकती। तो जिन लोगों को पता है कि माय मॉम इज़ लाइक माय बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम, मम्मी के बिना मतलब मेरा घर ही ऑलमोस्ट नहीं चलता, तो आप समझ सकते कि मैंने पूरा धरोहर संभाल लिया एकदम अपने कंधे पे। खाना बनाया, सबको खिलाया और साथ साथ में इतना मतलब अभी खाना बना के तुरंत खा रही हूँ, तो इट इज़ सो हॉट, पर बहुत ही अमेजिंग बना है। अमेजिंग कितना बना है ये एक्चुअली हमें बताना चाहिए, आउटस्टैंडिंग बना है। दारुण सुंदर है चे, होटल चे, उन्हों से कम ना। पापा ने बोला होटल जितना, मतलब होटल से किसी भी अंश में कम नहीं है। हम लोग मील एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन आप इसको मतलब यहाँ पे तो शुरुआत हो नहीं सकती, शुरुआत है दिन के शुरू से, तो चलिए मेरे साथ देखते हैं। गुड मॉर्निंग। सो ये एक आम मॉर्निंग है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खास है क्योंकि माँ मेरी बीमार है, तो माँ के बिना घर नहीं चलता मेरा। मुझे ऐसा लगता है कि शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी मुझे सोचना पड़ रहा है क्योंकि जो रूटीन है थोड़ा सा अलग हो गया है और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ 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 करना पड़ रहा है। नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, आई एम एंजॉइंग दिस, बट आई जस्ट विश हर स्पीडी रिकवरी। लाइक एवरी डे मॉर्निंग लियाना का मालिश और नहाना हो जाता है सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे तक, मतलब वो दोबारा दूध पी के सो जाती है फॉर अ गुड 3 to 4 hours। शी वेक्स अप स्ट्रेट एट 10 o'clock। तो 7 से 10 बजे के बीच का जो टाइम है वो मेरे पास मतलब मेरे लिए टाइम होता है। मैं उसमें वर्कआउट करती हूँ, चाहे उस टाइम पे मैं थोड़ा बाहर जाती हूँ एक कप कॉफ़ी के लिए, तो डिपेंडिंग ऑन द डेज दैट आई एम इन। तो आज वैसा ही एक दिन है, तो लियाना सो गई है, सो रही है, तो मैंने और गुरु ने सोचा क्यों ना क्विकली बाहर एक कप कॉफ़ी पी के आया जाए। हाय हैंडसम, हाउ चीज़ी, चश्मा क्यों पहन लेते हो? सुबह उठने के बाद आंखें खुली होती हैं। प्लीज, इतना भी सुबह नहीं है तुम्हारे लिए, इतना भी वो नहीं है। सुबह 4 बजे उठते हो, तुम्हारे लिए 8:30 बजे क्या सुबह सुबह है? सो दिस इज़ अ टाइम आई थिंक वी बॉन्ड विथ ईच अदर, वी टॉक टू ईच अदर विदाउट एनी यू नो थिंकिंग अबाउट, विदाउट एनी फ्रेंड्स ऑल्सो। एक्चुअली इस टाइम पे हम लोग कभी किसी दोस्त को भी लेके नहीं जाते, बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट एनी थर्ड पर्सन टू बी देयर अराउंड दिस टाइम। एंड आई थिंक दिस वी टाइम इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अ कपल, बिकॉज द मोमेंट एक कपल माँ बाप बन जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ पूरा दिन सब कुछ बच्चे के इर्द गिर्द ही चलता है, डेफिनेटली चलता है, लेकिन उसके साथ साथ उनका खुद का जिंदगी, उनकी खुद का प्लानिंग, सिर्फ प्लानिंग ही नहीं बोलूँगी, बहुत सारा थॉट्स का आदान प्रदान और रोमांस, सब कुछ को अलाइव रखने के लिए यू नीड टू जस्ट टेक आउट टाइम। तो इसके लिए आज मैं वर्कआउट नहीं कर पाई, वी वेंट आउट फॉर दैट लिटिल कप ऑफ कॉफ़ी एंड देन वी केम बैक होम। तो घर आ गई हूँ और देख रही हूँ कि लियाना के उठने में थोड़ा सा और टाइम बाकी है, 15 मिनट टू बी प्रिसाइज, इसलिए मेरे हाथ में थोड़ा सा और टाइम है। तो मैं यहाँ पे विल शो यू इज़ अ क्विक हेयर स्टाइल, जो मुझे एकमात्र एक ही हेयर स्टाइल एक्चुअली खुद का करना आता है, तो वो है ये। क्या ये हेयर स्टाइल मुझे सिर्फ एकमात्र करना आता है, तो जब भी मुझे लगता है कि कुछ चलो शूट वूट करके दिखाना है घर का कुछ, तो मैं यही एक हेयर स्टाइल कर लेती हूँ। वैसे नहीं, मैं 2-3 और भी करती हूँ, पर आज के लिए ये मेरा हेयर स्टाइल है। तो आज मैं एक्चुअली बनाने जा रही हूँ बिरयानी, द ईजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट थिंग पॉसिबल, बिकॉज उसमें थोड़े वेजिटेबल्स भी डालूंगी, चिकन भी डालूंगी, राइस भी डालूंगी। इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर, कार्ब्स एंड प्रोटीन। या बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जब घर में बहुत मतलब अकेले बहुत सारा काम करना होता है, तो
थोड़ा शॉर्टकट में काम किया जा सकता है, और उसका मतलब ये नहीं कि टेस्टी ना हो. सो हेल्थी एंड टेस्टी बिरयानी के लिए फॉलो मी. तो हर बार की तरह मैं कोई क्रीम या फेस केयर ट्रीटमेंट कुछ भी मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज यू नो नॉट ऑलवेज डू वी नीड एक्सटर्नल ट्रीटमेंट टू टेक केयर ऑफ द स्किन. स्किन का जो इलास्टिसिटी है, जो एजिंग है, उसको रिड्यूस करने के लिए वन ऑफ द मेन वे हाउ वी कैन डू इट इज बाय सप्लीमेंटिंग द स्किन्स कोलाजन. जब हम यंग होते हैं, मतलब बच्चे होते हैं, टिल आई थिंक द एज ऑफ 27-28, हमारे स्किन का जो नेचुरल कोलाजन प्रोडक्शन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से ऑटोमेटिकली होता है. सो आफ्टर द एज ऑफ 28 स्किन का जो नेचुरल कोलाजन प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है, और उसके बाद शुरू हो जाता है यू नो रिंकल्स, फाइन लाइन, स्किन लटक जाना, लूज हो जाना. सो जब जब हम एक्सटर्नली यू नो हाइलुरोनिक एसिड या कोलाजन क्रीम लगाते हैं, साथ साथ में ज़रूरी है दैट वी इंजेस्ट कोलाजन. तो मैं दिखाऊंगी कि सुबह इस टाइम पे आई हैव ग्लास ऑफ कोलाजन. आई हैव दिस एज के वाइटल स्किन रेडियंस कोलाजन. इट इज़ अ मेरीन कोलाजन, प्लस इट हैज़ स्किन केयर वाइटमिन्स लाइक वाइटमिन सी, ई एंड बायोटिन. It also has hyaluronic acid in it. Matlab, it is derived from fish scales, mostly marine collagens are. और जो वेजिटेरियन कोलाजन बोल के जो मार्केट में बिकता है, मोस्टली आई फील दे आर नॉट कोलाजन, मतलब उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कोलाजन. वन इज़ बोवाइन कोलाजन जो हड्डी से बनता है, और इज एक है मरीन कोलाजन. एंड इन इंडिया वी कैन आराम से हैव मरीन कोलाजन टू मेक आर स्किन लुक गुड. ये ऑरेंज फ्लेवर में है, और इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, एंड इट इज़ 25 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन कोलाजन बिल्डर. इट हैज़ नो साइड इफेक्ट्स, एंड इट कम्स फ्रॉम द ट्रस्टेड हाउस ऑफ हेल्थ कार्ट. चाहे तो आप इसको डायरेक्टली भी ले सकते हैं. टेस्ट वेरी रिफ्रेशिंग. हमारे स्किन का जो फर्मनेस है उसको बरकरार रखता है, जो हमारे स्किन का जो टाइटनेस है, जो फर्मनेस है, वो मेंटेन करता है. मतलब 70% ऑफ आवर स्किन के जो प्रोटीन है, इट इज़ मेड अप ऑफ कोलाजन. तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है आफ्टर अ सर्टेन एज इसको कंज्यूम करते रहना, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैंने इसको आधा इसीलिए पिया क्योंकि एक्चुअली मैं जिस तरीके से पीती हूँ मैं वो दिखाना चाहती हूँ. सो दिस इज़ माई मॉर्निंग का ग्रीन जूस का इन्ग्रीडियंट. इट हैज़ सेलरी, पुदीना, खीरा, अदरक एंड लेमन. मैं ऑलमोस्ट, अगर इतनी छोटी नींबू हो तो मैं पूरा ही दे देती हूँ, नहीं तो हाफ नींबू, एंड कोलाजन अलॉन्ग विथ ऑल दीज. तो ये मेरा मिड मॉर्निंग, मेरा नहीं, हम दोनों का, मेरा और गुरमीत का मिड मॉर्निंग ये एक ग्लास जूस होता ही होता है, रिकमेंडेड बाय माय डाइटिशियन. सो मैं क्योंकि अभी दिन का मुझे मतलब खींचना है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आई ऑल्सो टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. एंड ये ग्रीन जूस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, पीते पीते बात करते हैं. इट हेल्प्स रिटेन द हाइड्रेशन ऑफ द स्किन. हाइलुरोनिक एसिड हेल्प्स रिड्यूस रिंकल्स, दस प्रिवेंट स्किन एजिंग. वाइटमिन सी, ई एंड बायोटिन हेल्प्स टू कीप योर स्किन रेडियंट. सो माई हेल्थी मिड मॉर्निंग ग्लास ऑफ ग्रीन जूस हियर. इसमें सारे हेल्थी इन्ग्रीडियंट्स हैं, कोलाजन जो कि जिसका बेनिफिट तो मैंने अभी विस्तार में बताया, प्लस जबकि इसमें भी वाइटामिन सी है, मैंने इसमें और नींबू डाला टू इंक्रीज द वाइटामिन सी कंटेंट इन इट, क्योंकि वाइटामिन सी से कोलाजन अब्सॉर्प्शन और अच्छा होता है, बेटर होता है. और अगर ये बना देने के लिए कोई नहीं है, एंड इफ यू फील टू लेजी, जस्ट हैव दिस, क्योंकि इसमें वाइटामिन सी, ई, बायोटिन सब कुछ है, कोलाजन तो है ही, हाइलुरोनिक एसिड है, तो मतलब इट इज़ sufficient for you. The products are available here, और health card के own website में भी आपको मिल जाएगा, and with this code you will get an extra discount. तो हो गया मेरा mid morning snack भी. अभी मैं जाती हूँ kitchen में, kitchen संभालने. मैं बहुत crisp का काम में believe करती हूँ. Crisp मतलब
बनाऊंगी मैं वही, लेकिन बहुत शॉर्टकट में और फिर भी टेस्टी बनता है। ये सारी चीज़ें मैं सीखी हूँ जब लंदन में हम लोग रहते हैं, या फिर मतलब एनी वेयर आउट ऑफ इंडिया। वहाँ पे मेरे पास बहुत ज़बरदस्त मसाले और बहुत करछी, कढ़ाई, हांडी, इतना सब कुछ होता नहीं है, तो बहुत कम सामान के साथ टेस्टी खाना किस तरीके से बनाते मैं कहीं ना कहीं वहाँ से सीखी हूँ। मान लीजिए ये मैं एक दिन पहले भी बनाई हूँ, बहुत अच्छा था, तो इसीलिए आज मैं दोबारा बना रही हूँ। और इस बार मैं सोचा कि मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊँ। ट्रस्ट मी, इट विल बी एग्जैक्टली लाइक अ प्रॉपर बिरयानी, लेकिन पहले से आपको प्रिपेयर करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास है हाफ के जी चिकन। सबसे पहले मैं उसको मैरिनेट करूँगी। प्लीज़ एक्सक्यूज दैट ठक 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 आवाज़, बिकॉज मेरे ऊपर वाले फ्लैट में काम ख़त्म ही नहीं होता है। एक तरफ ताजमहल बन रहा है और एक तरफ मैं बिरयानी बना रही हूँ, मतलब शाही खाना। तो इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन मसाला, रेडीमेड चिकन मसाला है, हर जगह मिलेगा आपको। इसमें मैं डाल रही हूँ गोडा मसाला, इसमें है कोरिएंडर, क्यूमिन, फेनल, ड्राई कोकोनट, क्लोव, इट्स लाइक अ बिरयानी मसाला। बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगी, पर इसी नमक से एक्चुअली पूरा खाना बनेगा, तो इसीलिए इतना भी कम नहीं डालूँगी। नमक इज़ स्वाद अनुसार। पूरे मसाले को मिक्स कर लेती हूँ। यू नो, जब भी खाना बनाती हूँ मेरे नेल्स येल्लो येल्लो हो जाते हैं, तो आज मैंने सोचा येल्लो पॉलिश ही लगा लूँ। तो इसको मैं मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी एटलीस्ट 10 to 15 minutes। उसी दौरान आप चावल बना सकते हैं, लेकिन मैं चावल को थोड़ा पहले से बना के रख के हल्का सा कच्चा, नॉट टू मच कच्चा, ऐसे ड्राई होने के लिए डाल दीजिए, ताकि चावल आपस में चिपके ना, बहुत भी ज़्यादा ना पक जाए। तो बहुत ज़्यादा पक जाने से भी जब मैं मिक्स करूँगी या मैं दम दूँगी तो वो बहुत ही गल जाएगा। ड्राई हो चुका है, सो आई विल स्टार्ट द रेस्ट ऑफ द बिरयानी प्रिपरेशन। तो मैं बिरयानी में डाल रही हूँ 2 आलू और 1 गाजर, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप द वेजिटेबल कॉन्टेंट ऑल्सो लिटिल हाई। आलू वेजिटेबल है, एटलीस्ट बिरयानी के लिए है। तो पूरी बिरयानी स्टार्ट टू फिनिश मैं एक टोप में ही बनाऊँगी, और इसी में हो जाएगा, क्योंकि घर में 1, 2, 3, 4, 5 लोग हैं, तो 5 लोग इसी में खा लेंगे, मतलब बन जाएगा। मेरे पास बारीक कटी हुई प्याज भी है, कटी हुई लहसुन, पीसा हुआ अदरक। That's it, boys and girls, and let's get started. The only thing is कि मैं पूरा प्रिपरेशन घी में बनाऊंगी, बिकॉज इससे एक एक्स्ट्रा फ्लेवर मिल जाएगा। घी से कुक करते टाइम हमेशा जो गैस का टेम्परेचर है उसको ध्यान रखिए, बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी ये जल जाता है और उसका फ्लेवर निकल जाता है। दालचीनी, लौंग, ब्लैक पेपर, हल्का सा इसको मैं बस लाइटली तोड़ लूँगी। इलायची, उसको मैं दे दूँगी, बिरयानी का कुछ है स्पेशल। ये हल्का हल्का जैसे ही फ्राई हो जाता है मैं उसमें डाल दूँगी मेरी बारीक कटी हुई प्याज। दिस इज़ इक्विवेलेंट टू 3 प्याज। इसमें मैं डालूँगी लहसुन 1 चम्मच, 2 चम्मच, लास्ट इसमें जाएगा 1/2 चम्मच अदरक। अब मैं गैस को थोड़ा सा तेज़ कर दूंगी ताकि इसमें थोड़ा कलर आ जाए, हल्का फ्राई फ्राई हो जाए। इसमें मैं डालूंगी 3-4 हरी मिर्ची। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, तो आप अपने स्वाद अनुसार हरी मिर्ची डाल सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी जो मैंने 2 आलू और 1 गाजर आपको दिखाया, वो मैंने काट लिया है। इट्स बिग यू नो ईटेबल साइज़। और इसी के साथ ही मैं डाल दूंगी ये जो मैंने मैरिनेट करके रखा था चिकन। अब मैं गैस को थोड़ा सिम में कर दूंगी, ऊपर से डालूंगी थोड़ा सा घी, सो मैं ढक दूंगी। गैस सिम में है, ये धीरे धीरे कुक हो रहा है। अब मैं एक इंटरेस्टिंग काम करूंगी, वो ये है कि ये जो चावल है इसको मैं एकदम प्लेन नहीं रखूंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गोडा मसाला, इसको मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ, बिकॉज एज आई सेड मैं कोई आर्टिफिशियल कलर, भले फूड कलर हो, कोई सा भी मैं कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, सो आई विल बी डूइंग द कलर विद द मसाला। इसी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाफ वे थ्रू मैं इसमें भी डालूँगी 1 चम्मच घी, और इसको मैं अच्छे से करूँगी मिक्स 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 मिक्स। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मिक्स करते करते चावल को तोड़ मत दीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे जस्ट झुरझुरा झुरझुरा कर करके इसको मिक्स कर दीजिए, करके वापस से छोड़ दीजिए। वाओ, इट इज़ लुकिंग नाइस एंड ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग कुक्ड।
इसको हम अभी स्ट्रेट 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए और चावल भी अच्छे से चावल को मैं मैरिनेट कर रही हूँ इस तरीके से। सो 10 मिनट मैं थोड़ा सा हवा खा के आती हूँ। सो आफ्टर 10 मिनट्स मैं इसको वापस से एक बार चलाने आई हूँ। सो यू कैन सी हाउ वेल इट इज़ लुकिंग already, it's looking nice and getting on the verge of getting cooked. 7 minutes मैं इसको ऐसे रख दूँगी तो वो almost fully cook हो जाएगा। उसके बाद मैं चावल को add करूँगी और वो भी मैं दिखाऊँगी कैसे। तो जाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा प्रेशर ताकि हो, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, पर थोड़ा सा धुआँ ना निकले, थोड़ा अंदर से दम कुक हो, क्योंकि मैं इसको आटा वाटा कुछ नहीं लगा रही हूँ। This is my shortcut yet precise way of cooking the yummiest biryani possible on earth. So the chicken is almost cooked. Aloo aur gajar to definitely cook ho chuka hai. Abhi main ek meri ye meri mummy ka nuska hai jo main use karungi. Dekhiye main unnecessarily wo nahi le leti hu. Mujhe khana hai, bhook lagi hai. Bhook lagi hai, bottle do, khali bottle rakha hua hai lo. Guru kuch nahi ubla hua chawal hai bas. आलू भी है? नहीं आलू नहीं है, सब इसमें है। सी बंद करो भूख लगी, दे दो ना, इसमें मिला दो, बिरयानी बन जाएगा। गुरु इट्स अ सीरियस कुकिंग व्लॉग, तुम थोड़ा मुझे हेल्प करो। कर तो आ रहा हूँ, और क्या, ऑफ कोर्स तुम्हारी हेल्प तो कर रहा हूँ। देविना की बेबी को, लियाना को, जो हमारी प्रिंसेस है, उसको सोने में बहुत टाइम लगता है, उसको उठा के, अच्छा उसको लिटा नहीं सकते हो, उसको बिठाना पड़ता है, पूरी दुनिया दिखाओ ऐसे ऐसे करके, तो वो बहुत खुश होती है, फिर वो सोती है। बिना कारण लेटा दोगे ना बस। डोंट डिस्टर्ब मी, गिव मी 10 मोर मिनट्स। ओके, सो ये मेरी मम्मी का नुस्खा है। तो एक तवा को आप पहले गैस में अच्छे से गरम कर ले और फिर इसको मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। सो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्टली दम पुक डायरेक्टली गैस के हीट में ना, क्योंकि नीचे से ये अभी जलने लग जाएगा। थोड़ा सा मिला लेती हूँ, ये देखिए नीचे से, नहीं तो ड्राई होके चिपकने लग रहा है, देख सकते कोने कोने से, बिकॉज मैं बहुत मोटी लोहे के कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा चला भी नहीं सकती, नहीं तो सब कुछ टूट जाएगा। इसको अभी दम पुक में डालना पड़ेगा। मैं उससे पहले डाल दूँगी एक दो बे लीफ, जस्ट वॉन्ट द फ्लेवर टू कम आउट। के ऊपर मैं अभी डालूंगी माई घी राइस, और अब देखेंगे मैं बिल्कुल उसको मिला नहीं रही हूँ, मैं चिकन राइस नहीं बनवा रही हूँ, तो राइस विल बी ऑन द टॉप ओनली। सारा राइस में भी कलर नहीं है, थोड़े राइस वाइट है, थोड़े राइस रेडिश है। सारा चावल मैंने डाल दिया। अभी मैं डालूंगी 2 वेरी वेल नोन इन्ग्रीडियंट जो बिरयानी में जाना ही चाहिए। एक है गुलाब जल डाल दिया, ये है केवड़ा का जल, केवड़ा पानी। अब मैं इसको ढक दूंगी और मैं पूरी चीज़ को ट्रांसफ़र कर दूंगी इस तवा के ऊपर। इस गैस को बंद कर दिया और अभी ये इनडायरेक्ट हीट में ये तवा से पूरे कुक हो जाएगा। मैं वापस से इसको डाल दिया इसमें ताकि थोड़ा वेट से इसका कोई गैस ना निकले एंड इट जस्ट गेट्स कुक्ड। तो जब तक ये दम में पक रहा था, आप थोड़ा सा हरा धनिया काट के रख सकते हैं, बिकॉज लास्ट में मैं भी हरा धनिया ही डालूंगी। सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट। आई कांट रेजिस्ट, इसका जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है पूरे घर में, कि घर में सब लोग एकदम परेशान हो रहे हैं कि खाना दो। लास्ट एक बार इसको एक कोने से चेक कर लेती हूँ, ऑल कुक्ड, देख सकते हैं द चिकन इज़ ऑल्सो प्रिटी वेल कुक्ड। इससे ज़्यादा कुक होगा तो सब टूट टूट के सब भयंकर तरीके से मिक्स हो जाएगा। सो आई लीव इट लाइक दैट, आई मिक्स इट अ लिटिल, बहुत थोड़ा सा मैं मिक्स कर दूँगी, बाकी सीधा टेबल में लेके चलते हैं। थोड़ा हरा धनिया डाल देती हूँ ऊपर से, अभी सीधा डाइनिंग टेबल पर मिलते हैं। आ जाओ, रेडी हो गया खाना, बाबी ऐशो, गुरु आओ, अभी भूख के मारे पागल हो रहे थे, अभी आई नहीं रहे, आना भी आ गया, आ जाओ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि खुद बना के खुद ऐसे तारीफ करूंगी,
बट देवीना हमेशा, जब मैं देवीना को पहली बार भी मिला था, देवीना की सबसे अच्छी खासियत है कि बहुत कम टाइम में बहुत टेस्टी खाना बना देती है। बोलो बोलो क्या याद है? मैंने तो देवीना का हाथ का खाना मैं बहुत खाया। मैंने चल का हाथ का पिटाई मैं मम्मी को खाना देकर आती हूँ। Pablo, no, no, Pablo, come out, Pablo. In the middle of everything, don't forget to like, share and subscribe to Debina Decodes. I love you guys. Mm-hmm.